हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर लेके आया हूँ। हालांकि ये खबर हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया था इस पे, लेकिन आपको एक बार थोड़ा एनालाइज करा देता हूँ, इसके बाद इसमें जो प्रूफ है उसके साथ में आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चन आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये मैं बात कर रहा हूँ आपने वीडियो की थंबनेल में देख लिया होगा, तो अब क्या है कि मेरिट लिस्ट जो है उसमें क्या होगा, अब आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी, मतलब मेरिट के साथ वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो पहले क्या होता था, ये चीज़ें पहली बार हो रही है डीएसएसबी के अंदर। तो इससे पहले हालांकि हमने मतलब काफ़ी वीडियोस में बोल दिया था, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पे हमने बताया था आपको कि वेटिंग लिस्ट अब की बार जरूर आएगी। तो यही हुआ, अब ये सारी चीज़ें प्रूफ के साथ आ गई हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डीएसएसबी के अंदर वेटिंग लिस्ट आएगी। अब क्या है कि जैसे काफ़ी ऐसी वैकेंसीज हैं जो पूरी नहीं हो पाती, तो अब उसमें क्या होगा, वेटिंग दी जाएगी, वेटिंग लिस्ट दी जाएगी, या कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जैसे जो छोड़ के चला जाता है तो अब क्या है कि उसकी जगह फिर क्या होगा, वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। इवन आप देख पा रहे होंगे जैसे हमारा एमसीडी पीआरटी है तो उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज खाली हैं अभी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि वेटिंग लिस्ट इसमें जरूर आएगी। तो जो कैंडिडेट्स रह गए हैं मतलब काफ़ी क्लोज उससे, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और वो जरूर लग जाएंगे जो पॉइंट्स में या एक दो नंबर से रहे हैं। तो फ्रेंड्स रियली बताऊं, दिल से बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है देखो, आप जो वैकेंसी निकाल रहे हैं अगर कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उस मेरिट को नीचे लेके जाएं, तो इस हिसाब से फिर जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उनको चांस मिल जाएगा। इसके बाद इससे क्या है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके उनको मतलब टीचर्स चाहिए तो टीचर्स भी मिल जाएंगे। तो एक अच्छी हम बोल सकते हैं एक अच्छी पहल करी है गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इसके बाद जो हमारे उपराज्यपाल जी हैं उन्होंने भी इसको मंजूरी दी है, उच्च न्यायालय ने भी मतलब मंजूरी दी है, आदेश दिया है। इस आदेश के साथ में उप राज्यपाल जी ने इसको मंजूरी दी है। अब क्या है कि जो वेटिंग लिस्ट जारी हुआ करेगी, तो ये अपडेट है। इस वीडियो को फ्रेंड्स अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और भी जो सब्जेक्ट है जिनमें आपको लग रहा है कि हाँ मतलब वेटिंग लिस्ट आ सकती है, वैकेंसीज पूरी फिल नहीं की गई हैं, तो उनमें भी वेटिंग लिस्ट आएगी। अपने कमेंट मतलब करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।